ओडिशा में आज करोड़ों रुपए के जाली नोट बरामद हुए हैं। कोरापुट जिले के सुकी पुलिस एवं पतांगी थाना पुलिस के संयुक्त प्रयास से ओडिशा पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। सुनाबेड़ा के SDPO निरंजन बेहरा से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आज मंगलवार को 7,90,00,000 रुपए की नकली नोट जब्त करने के साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार करते हुए फिगो कार को जब्त कर लिया है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार भोर के समय पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के रायपुर से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम को यह नकली नोट चोरी छिपे भेजी जा रही थी। ओडिशा में कोरापुट जिले के सुनकी आउटपोस्ट के पास से पहले से तैनात पुलिस ने जब गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें से 7,90,00,000 रुपए नकली नोट मिले। ये सभी नोट 500 रुपए के हैं। पुलिस ने नोट एवं गाड़ी को जब्त करने के साथ ही 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। ये तीनों आरोपी छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं। सुनकी आउटपोस्ट ओडिशा आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यह नोट कहां से आया था, कहां जा रहा है, इस गिरोह के पीछे और कितने लोग शामिल हैं, पुलिस ने इस संदर्भ में अधिक छानबीन शुरू कर दी है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अगर आप क्राइम वीडियो देखने के शौकीन हैं और अपने आसपास होने वाले क्राइम से अपडेट रहना चाहते हो तो तुरंत हमारे सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।